खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल विधानसभा में दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में ड्यूटी में लापरवाही पाई, आप चार अटेंडेंस रजिस्टर मिली और उसमें भी गड़बड़ी, तो इस पर महाराज भड़क उठे। इसी दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद डॉक्टर्स को फटकार लगा दी। चार रजिस्टर इनके बने हुए। मेरे पास आप लोगों की शिकायत यह है, आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं, कितने हाउ मेनी रजिस्टर यू हैव हियर, कितने रजिस्टर हैं आपके, हैं आप तीन रजिस्टर होने चाहिए या इंचार्ज कौन है आप हैं? एक रजिस्टर होना चाहिए, कितने होने चाहिए? एक या दो या तीन, इनके चार रजिस्टर इनके बने हुए और ये डॉक्टर रहने नहीं है यहां पर, एक रहता है दो रहता है बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम, एक तरीका है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये बात, आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं आप नदारद, सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है कि आप नदारद रहे, यहां रहे ही नहीं कोई मरीज, तो आएगा ना आप लोगों को बता, कोरोना काल है, बीमार लोग आ रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते, फिर थोड़ी भी आपको मानवता नहीं है, आपने तो हिपोक्रेटिस ओथ ले रखी है, आप सेवा करेंगे, आप छुट्टी पर चले जाते हैं बाहर रहते हैं। आप इनके रजिस्टर सुनिश्चित करिए कितने कितने होने चाहिए यहां, एक या दो? वन, तो ये तीन कैसे हैं इनके, बल्कि इनके चार हैं और जो यहां रहता है वो बाकी हाजिरी भर देता है, सब फर्स्ट का चक्कर चला हुआ है यहां पर। देखो तरीका है, हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था, आप बताइए कि डॉक्टर नदारद, टेक एक्शन, इस पे एक्शन लीजिए और मैं यहां, मैं तो यही रहता हूं, ठीक है, आपके समझ में आ गया? हाँ, ये आखिरी वार्निंग मैं दे रहा हूं। तो सतपाल महाराज यहां भड़क उठे, उनका कहना था कि जहां हाजिरी के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए वहां चार है, और कुल मिला के गुस्से की अहम वजह यह थी कि कोरोना काल है, मरीजों की संख्या पहाड़ों पर, जो मरीज पहुंचते हैं वैसे ही मुश्किल रास्तों से गुजर के आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर डॉक्टर ना मिले तो उनकी क्या कंडीशन होगी, इसीलिए ये गुस्सा फूट पड़ा कैमरे के सामने। उत्तरकाशी के मनेरी जोशियाड़ा बैराज में सिल्ट बढ़ने से दोनों बैराज में पानी की निकासी खोल दी गई है और इस दौरान नदी में पानी का जल स्तर बढ़ गया। नदी में काम कर रहे मजदूर फंस गए, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया। ये लोग नदी में रेत और बजरी उठाने का काम करते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, देखिए मौके पर टीम ने किस तरीके से मुश्किल से इन मजदूरों को यहाँ से रेस्क्यू किया है। तो उधर जोशीमठ में बारिश की वजह से पुल बह गया, जिसके चलते लोग अब जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। पुल नहीं है, गांव में जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। ये तस्वीरें हैं होशी खांचा गांव की, ये देखिए सिलेंडर कैसे पीठ पर बांधकर ये लोग मजबूर हैं, रास्ते को ऐसे ही तय करना है क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो पुल के उस पार रहा मौजूद थी। पुल था तो आसानी से चले जाते थे, लेकिन अब देखिए इनका रास्ता कितना मुश्किल हो चुका है। ये देखिए,